जय बोलना दोस्तों, मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों आज जो फ्लैट मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये एक 2 BHK का फ्लैट है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, 200 स्क्वायर यार्ड की टोटल बिल्डिंग है जिसमें 2 यूनिट आगे की तरफ और 2 यूनिट बैक तरफ बनी हुई है। इसमें दोस्तों आपको कार पार्किंग मिलती है, इसमें लिफ्ट है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, 80-90% का लोन भी आपको मिल जाता है। कम बजट में मैं कह सकता हूँ एवरेज बजट में आपको अच्छी चीज़ दोस्तों मिल जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका प्राइस बता देता हूँ दोस्तों, इसकी कीमत है 32 लाख रुपए की। अगर आप फ्रंट साइड का फ्लैट लेते हैं तो 32 लाख रुपए में आपको मिल जाता है, अगर आप बैक साइड का फ्लैट लेते हैं तो आपको 30 लाख में मिल जाता है। फ्रंट का या बैक का कोई भी फ्लैट आप लेते हैं तो दोनों में ही आपको कार पार्किंग मिलती है। लोकेशन की अगर बात करूं दोस्तों तो जो मेन उत्तम नगर रोड है उस रोड से हम लोग करीबन 300 मीटर के डिस्टेंस पर यहां खड़े हैं। मेट्रो की अगर बात करूं तो 400 से 450 मीटर का डिस्टेंस इस फ्लैट का मेट्रो से है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है दोस्तों। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर मार्केट हो या फिर और कोई ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए आपको बाहर जाना हो तो मुझे लगता नहीं कि 1 किलोमीटर से बाहर आपको कहीं जाना पड़ेगा, सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको नज़दीकी मिल जाती हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं आपको आपके फ्लैट की विजिट करवाता हूँ, तो ले चलता हूँ आपको सबसे पहले एंट्री की तरफ। तो दोस्तों ये है आपके फ्लैट की एंट्री। जब आप फ्लैट में एंट्री करते हैं तो आप ईस्ट की तरफ से अपने फ्लैट में एंट्री करते हैं। आइए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर, हमारे लिविंग रूम के अंदर। लिविंग रूम के साइज़ की अगर बात करूँ दोस्तों तो ये साइज़ हमारा 14x10 का साइज़ है। 14x10 का काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है दोस्तों, आप 8 से 10 लोगों की सीटिंग यहाँ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर बात करूँ मैं वॉलपेपर की तो आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर के साथ साथ यहाँ पे ग्लास वर्क भी करवाया हुआ है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है इस वॉल पे दोस्तों। सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो सीलिंग में भी हमारे हर फ्लैट की तरह यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग मिलती है विद कॉब लाइट्स एंड विद LED लाइट्स। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्लोरिंग दिखाइए। फ्लोरिंग में दोस्तों 2x4 की टाइल्स यूज़ की हुई हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, ब्रांडेड टाइल्स हैं, स्क्रैचलेस टाइल्स हैं, इसमें स्क्रैच आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं पड़ेंगे। साथ में दोस्तों एक LED पैनल दिया हुआ है वुडन का, काफ़ी अच्छी और लुक ये यहाँ पर दे रहा है। आप देख सकते हैं कि लाइटिंग वर्क भी इसके अंदर करवाया हुआ है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमें अटैच किचन मिलती है। किचन की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी किचन है और हमारे हर किचन की तरह इसमें भी स्टोरेज का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अभी दोस्तों ये सिंपल फ्लैट रेडी किया है तो काम चल रहा है बिल्डिंग में। आप कुछ कमियां भी छोटी मोटी आपको यहाँ मिल सकती हैं देखने को, लेकिन वो जैसे बिल्डिंग कम्प्लीट होगी या जब आप फ्लैट परचेज करेंगे तो आपको बिल्कुल फिनिश करके फ्लैट मिलेगा। जैसे कि मैं किचन के बारे में बात कर रहा था दोस्तों तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज है, काफ़ी अच्छी किचन है। आजकल जो लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसमें आपको अटैच मिलती है अपने लिविंग रूम के साथ किचन, वैसी ही किचन आपको यहाँ मिलती है। ये LED लाइट्स का काफ़ी अच्छा काम और ऊपर फॉल सीलिंग भी यहाँ पर आपको मिलती है। इसके साथ दोस्तों मैं बात करूँगा हमारे पहले बेडरूम के बारे में। तो ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम, जिसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 9x11 का हमारा बेडरूम है ये। इसमें आपको वार्डरोब मिलती है, वार्डरोब ऑलमोस्ट रूफ हाइट तक की है, करीबन 4 फिट बाय और रूफ हाइट तक की ऑलमोस्ट ये आपको वार्डरोब मिल जाती है। इस तरफ आपको दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वॉलपेपर आपको मिलता है, काफ़ी डिसेंट लुक का है और आपको अच्छा लगेगा वॉलपेपर, काफ़ी अच्छी लुक ये आपके बेडरूम को देता है। आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फॉल सीलिंग दिखाइए। फॉल सीलिंग में दोस्तों काफ़ी अच्छी और zigzag टाइप की फॉल सीलिंग यहाँ दी हुई है जिसमें LED लाइट और कॉब लाइट का प्रॉपर काम किया हुआ है। इस बेडरूम के साथ आपको दोस्तों यहाँ बालकनी मिलती है। बालकनी से पहले मैं विंडो की बात कर लेता हूँ। विंडो अटैच है जिसमें आप स्प्लिट AC, माफ़ कीजिएगा, विंडो AC लगा सकते हैं, 1.5 से 2 टन का आपका विंडो AC लग सकता है। दरवाजे दोस्तों आप देखेंगे तो दरवाजे सारे डिज़ाइनर दरवाजे हैं, डिज़ाइनर वर्क हर दरवाजे पर यहाँ पर आपको मिलता है। अब हम आ गए हैं दोस्तों हमारी बालकनी में। बालकनी का जो साइज़ है वो करीबन 3.25 फीट बाय और 11 फीट की बालकनी हमें मिलती है, काफ़ी अच्छी बालकनी है और
बैक साइड में भी प्रॉपर टाइल वर्क किया हुआ है ताकि कभी भी किसी तरह की परेशानी आपको इन फ्यूचर ना आए, या फिर आपके जो बालकनी है उसकी लुक कभी भी ख़राब ना हो। थोड़ा काम चल रहा है मेरे ख्याल से हाथ वाली बिल्डिंग में, तो उसकी वजह से शोर हो रहा है। यहाँ दोस्तों आपको वॉशिंग एरिया मिलता है, साथ में आपको स्विच एंड सॉकेट मिलते हैं जिसमें आप अपना प्लग इन कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ दोस्तों हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में। बेडरूम के साइज़ की बात करूँ दोस्तों तो 9x11 का हमारा इस बेडरूम का साइज़ है। इस तरफ आपको कस्टमाइज और बहुत ही प्यारा वॉलपेपर मिल जाता है, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन यहाँ भी आपको बहुत ही प्यारे विद कॉप लाइट्स और LED लाइट्स मिल जाते हैं। इसके साथ दोस्तों हमारा वॉशरूम अटैच है, आइए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम की अगर साइज़ की बात करूँ दोस्तों तो 5x3 का हमारा वॉशरूम का साइज़ है। रूफ हाइट तक टाइल्स आपको मिलती है, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पर विंडो आपको मिलती है। जितने भी फिटिंग्स यहाँ यूज़ की गई हैं वो सारी क्वालिटी की हैं, ब्रांडेड है। तो वॉशरूम के बाद दोस्तों अब मैं बात करता हूँ विंडो के बारे में। इस रूम में आपको विंडो भी मिलती है, विंडो में आपको जाली वाले विंडो भी मिलती है, साथ में सेफ्टी ग्रिल मिलती है, देन आपको ग्लासेस भी लगे हुए मिलते हैं। इसके साथ दोस्तों LED पैनल भी यहाँ आपको मिल जाता है, वही सेम काफ़ी अच्छा LED पैनल है, वुडन पैनल है, और इसमें भी आपको रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है, और TV भी काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे और कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये है दोस्तों हमारा सेकेंड कॉमन वॉशरूम। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी टाइल्स का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग कलर्स की कॉम्बिनेशन में टाइल्स दी हुई है। यहाँ भी आपको रूफ हाइट तक टाइल्स मिलती हैं, फॉल सीलिंग मिलती है LED लाइट और कॉप लाइट के साथ। साथ में जितनी भी फिटिंग्स यहाँ यूज़ की हुई हैं वो सारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बेहतर है दोस्तों। ये सारी बातें आपको तब पता लगेंगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और निश्चित तौर पर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये फ्लैट बहुत बेहतर लगने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा 2BHK का फ्लैट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। रेट भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, रूम्स के साइज़, ड्राइंग रूम के साइज़ मैंने आपको बता दिए, पूरी फ्लैट की विजिट भी मैंने आपको करवा दी। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ आपको ऐसा लगता है जो मैं मुझसे छूट गया हो या मैं नहीं बता पाया हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ़ोन करके या फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल के आप पूछ सकते हैं। हम ज़रूर आपको आपकी जो भी क्वेरी है वो हम सॉल्व करेंगे, दूर करेंगे। और दोस्तों लास्ट में फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपका अपना चैनल है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय भोलेनाथ।